फरुखाबाद में एक बार फिर लेखपाल का रिश्वत की मांग करते हुए ऑडियो सामने आया है। मामला तहसील सदर क्षेत्र के दरियापुर हीरामन गांव का है, जहां रहने वाले गेंदालाल ने बंटवारे की जमीन नहीं मिलने पर डीएम से शिकायत की थी, जिसके बाद तहसीलदार ने पैमाइश के लिए लेखपाल सतेंद्र गंगवार को आदेश दिए और पीड़ित को कब्जा दिलाने की बात कही। लेकिन तहसीलदार के आदेश के बाद भी लेखपाल ने पीड़ित से पैमाइश के नाम पर रिश्वत की मांग की, जिसका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। ऑडियो में लेखपाल को ये बोलते हुए साफ सुना जा सकता है कि मैं पैसे तो ले लेता हूँ लेकिन काम पूरा करता हूँ। नमस्कार लेखपाल साहब। नमस्कार सर। नमस्कार जय हिंद। अब कहाँ पहुँच रहे फतेहगढ़ आप? हम फतेहगढ़ कल पहुँचेंगे 9 बजे भोलेपुर क्रॉसिंग पे। अच्छा, भीमसेन मार्केट है जो? हाँ हाँ, वहीं पे पहुँचेंगे। वकील साहब है हमारे जगरूप यादव। हाँ हाँ, वहाँ पहुँचेंगे। अच्छा, पटना अपने कितने बजे चलोगे? फिर हम बता देंगे, आप वहीं आ जाना। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है, आप खर्चा की चिंता नहीं करना, जिस पे करोगे उतना हम कर देंगे। ठीक है, देखो अवनी भैया। हाँ, शायद आपने गांव में भी पता किया होगा, यहाँ भी पता कर लेना। हाँ, पैसा तो हम लेते हैं। हाँ हाँ, लेकिन काम पाक साफ करके देते हैं। आप पैसे की चिंता नहीं करना लेखपाल साहब, एक कम दो दे देंगे, लेकिन मेरे काम पक्का करके दे देना। काम पक्का होगा, आपका कब्जा होगा। हाँ, कब्जा करके देना, पर एक कम दो दे देंगे। हाँ, आप पैसों का इंतजाम रखो, कल मैं बताता हूँ। हाँ ठीक ठीक, ओके। क्योंकि पुलिस वालों को भी एसओ को ले चलेंगे, होगा तो काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ, एसओ साहब को लेके चलना। हाँ, पैसे एक के दो दे देंगे, कल फिर नपेगा नहीं क्या? हम बता देंगे आपको, टाइम मिलता है तो कल ही नाप देता हूँ। हाँ कल ही नाप दो, क्योंकि मैंने जाना है। फिर मैं आज शाम को एसओ साहब से बात करता हूँ। हाँ शाम कर लो एसओ साहब से। 10,000 रुपए वो भी ले लेंगे कम से कम। अरे आप पैसे की नहीं बात करना मेरे से, आपको तो। हाँ देखो भैया, गेंदालाल भैया, कहना हमारा काम है देने वाले भाई, बहुत पैसे होते हैं, कहते थे हम देंगे देंगे, मेरी बात समझ। और पुलिस तो पहले लेती है तब चलती है। लेखपाल साहब, आप बहुत आदमी मिले हो, लेकिन मेरा जैसा नहीं मिला होगा। नहीं मैं इस बात की पैसा ही मैं भी हूँ। ठीक है, आप टेंशन न लें, कल 15,000-20,000 का इंतजाम रखो, काम होगा। हाँ ठीक ठीक, कल नाप देना, क्योंकि हमने जाना है परसों। ठीक ठीक, कल मैं निकालता हूँ। ठीक ठीक, ओके लेखपाल। वहीं लेखपाल द्वारा रिश्वत की मांग करते हुए ऑडियो को लेकर पीड़ित डीएम के पास पहुंचा और मामले में कार्रवाई की मांग की। ये जमीन की फरमाइश के लिए सतेंद्र लेखपाल ने की है। पूरा नाम क्या है सतेंद्र का? सतेंद्र गंगवार। आप फोन पर आपकी वार्ता हुई तो आपने फोन रिकॉर्ड कर लिया, आप किससे शिकायत की? हमने शिकायत किसी से नहीं की, आज हमने की शिकायत एसडीएम साहब से और उप जिलाधिकारी साहब, डीएम साहब से और एसडीएम साहब से। कितने पैसे की मांग की गई आपसे? 35,000 रुपये दे चुके हैं और 15,000 रुपये और मांग रहे हैं। 50,000। 50,000। जमीन कौन सी है जिसकी? जमीन मैंने खरीदी 18 लाख की खरीदी थी, उसकी फरमाइश करानी थी हमने। 18 लाख? हाँ। ये दरियापुर हीरामन। थाना कौन सा लगता है? थाना नवाबगंज। वहीं शिकायत के बाद एसडीएम ने मामले में जांच के बाद दोषी लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। इसकी जो ऑडियो के बारे में बताया जा रहा है, ये पहली बार मेरे संज्ञान में भी आया है। इससे पहले एक शिकायत जो आई थी तहसील दिवस में मेरे पास आई थी, जिसमें धारा 24 में एक ऑर्डर हो चुका है, उसकी नपाई नहीं हुई। और जो शिकायतकर्ता उनके द्वारा कहा गया था कि उन्होंने पैसे ले लिए, तब भी उन्होंने नपाई नहीं की, जो कि एकदम आपत्तिजनक है। और इसकी जाँच मैंने उसी दिन तहसीलदार को सुनाई करने की बोल दी, और आज भी ये नियम मैं उनके पास गए थे, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2 ही दिन हुए तहसील दिवस को। आज फिर मैंने उनका जो शिकायती प्रार्थना पत्र था उसको अभी तुरंत मैंने व्हाट्सएप करवा दिया है ऑलरेडी, और तहसीलदार की जो भी जाँच आके आएगी जल्दी से जल्दी जितनी आएगी उसको दोषी की कार्रवाई की। फिलहाल अधिकारियों ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लेखपालों की रिश्वतखोरी पर कब लगाम लगेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।